This is your own life coach and a motivator Ajay Sharma. Welcome you for today's program. अक्सर लोगों की दिक्कत होती है, खास तौर से युवाओं को, कि मातृत्व से वो हमेशा ही क्वेश्चन करते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है जीवन में। बड़ा ही बचकाना प्रश्न है, लेकिन ज्यादातर घरों की ये समस्या है। वो अक्सर क्रॉस क्वेश्चन अपने पेरेंट्स से कर बैठते हैं। दिक्कत आती है किसी चीज की तो बोलते हैं, पापा आपने हमें ये फैसिलिटीज नहीं दी, आपने हमारे लिए किया ही किया है। तो मैं सारे प्यारे बच्चों से बोलना चाहूँगा, अगर माता पिता ने कुछ नहीं किया होता, फर्स्ट थिंग, अगर वो आपको टॉयलेट की मैनर्स नहीं सिखाते, तो आप आज भी गंदे हाथ से घूम रहे होते जिंदगी में। अगर बचपन से लेकर आज तक वो आपको खाना नहीं खिलाते, जिस खाने की वजह से आप तरोताजा होकर आज ये बोलने लायक बने हैं कि आपने किया ही किया हमारे लिए, अगर वो खून पसीना बहा के आपके लिए दो वक्त की रोटी नहीं जुटाते, तो आज आप इस दुनिया में कहीं भी नहीं होते। मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ युवाओं से कि आपने आज तक क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए? क्या आपने बिना पूछे उनके उनकी दवाई का इंतजाम किया? कभी आपने उनको समझने की कोशिश की कि पिता जो सुबह जाता है, वो तमाम दिक्कतों मजबूरियों के बावजूद आपके लिए पैसे का इंतजाम करता है? अपनी औकात से बढ़कर हर माँ बाप अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई माँ बीमार हो के बेटे से बोले कि दवाई ला दो, तो 10 बहाने बना देता है। ये कहीं का भी शिक्षा नहीं है। अपने आप को अपडेट कीजिए, ये क्वेश्चन करना बंद कीजिए कि माँ बाप आपने क्या किया है। आज से ये क्वेश्चन पूछिए कि हम कर क्या सकते हैं अपने अभिभावकों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। आज से ये ड्यूटी कीजिए कि उनके सपने हम पूरा करेंगे। अगर कोई कमी रह भी गई है तो कोई बात नहीं, उन्होंने हमें जन्म दिया है। दैट इज एनफ, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज मोर देन एनफ। कम बैक इन योर लाइफ, नेवर नेवर आस्क द क्रॉस क्वेश्चन टू योर फादर और योर मदर कि आपने किया ही किया है। आज से शुरू कर दीजिए। आप बहुत समझदार हैं, आप उनसे ज्यादा शिक्षा हासिल कर रहे हैं। कुछ करना शुरू कीजिए आज से। आज से उनको गमों को कम कीजिए, उनके कष्टों को कम कीजिए। कैसे कर सकते हैं? कष्ट देना कम कीजिए। शाम को टाइम से घर पे आइए, जो वो बनाते हो प्यार से खा लीजिए। अगर घर में दिक्कत है तो दिक्कत निकलने से कंधा मिला के अपनी माँ के साथ खड़े हो जाइए। बोलिए, माँ आपकी मेहनत और आशीर्वाद से मैं वो मुकाम हासिल करके दिखाऊंगा जिसके लिए आप बचपन से मेरे को पाल रही हैं, मेरे को खाना खिलाती हैं प्यार से। जब घर में कुछ नहीं होता है तब भी माँ अपने बच्चे को घी लगा के रोटी देती है। समझ रहे ना आप क्या कह रहा हूँ मैं?